जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं आज नौसेना दिवस पर देश के ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को भी नमन करता हूं। साथियों, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। नए एपोलेट्स भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था। अब एपोलेट्स में भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रतिबिंब हम सबको नजर आएगा। अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ मुझे एक और घोषणा करते हुए आज गौरव हो रहा है। भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है। हम सशस्त्र बलों में अपनी नारी शक्ति की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। मैं नौसेना को बधाई दूंगा कि आपने नेवल शिप में देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर की तैनाती की है। साथियों, आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। भारत के पास इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक बड़ी ताकत है। ये ताकत 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की है। ये ताकत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती की है। कल आपने देश के चार राज्यों में इसी ताकत की झलक देखी। देश ने देखा, जब लोगों के संकल्प जुड़ते हैं, जब लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, जब लोगों की आकांक्षाएं जुड़ती है, तो कितने सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। अलग अलग राज्यों की प्राथमिकताएं अलग है, उनकी आवश्यकताएं अलग है, लेकिन सभी राज्यों के लोग राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत है। देश है तो हम है, देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, यही भावना आज हर नागरिक के मन में है। आज देश इतिहास से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के रोडमैप तैयार करने में जुट गया है। लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को हराकर हर क्षेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है। यही प्रण हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा। यही प्राण देश का वो गौरव लौटाएगा जिसका ये देश हमेशा से
हकदार है। साथियों, भारत का इतिहास सिर्फ 1000 साल की गुलामी का इतिहास नहीं है, सिर्फ हार और निराशा का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास विजय का इतिहास है, भारत का इतिहास शौर्य का इतिहास है, भारत का इतिहास ज्ञान और विज्ञान का इतिहास है, भारत का इतिहास कला और सृजन कौशल का इतिहास है, भारत का इतिहास हमारे सामुद्रिक सामर्थ्य का इतिहास है। सैकड़ों वर्ष पहले जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ऐसे संसाधन नहीं थे, तब उस जमाने में समंदर को चीर कर हमने सिंधु दुर्ग जैसे कितने ही किले बनवाए। भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य हजारों साल पुराना है। गुजरात के लोथल में मिला सिंधु घाटी सभ्यता का पॉट आज हमारी बहुत बड़ी विरासत है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।